नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना है। तीज पर आज हम गुड़ और आटे के पूड़े बनाएंगे, जैसे आप चीले कह सकते हैं, मालपुआ कह सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कटोरी से कम थोड़ा गुड़ ले लिया है, एक कटोरी पानी लिया है, जिसे हम गर्म कर लेंगे ताकि घुल जाए। गुड़ मेल्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। गुड़ मेल्ट हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे छान लेंगे ताकि कोई गंदगी है तो निकल जाए। एक कटोरी आटा हम घोल में डाल देंगे। सिरप ठंडा हो चुका है, उसके बाद ही डालें। घोल में हम दरदरी कुटी हुई 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे, पीसी हुई हरी इलायची डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। तवे को हम घी से चिकना कर लेंगे। आटे के घोल को हम चिकने तवे पर डाल देंगे और चमचे की हेल्प से ही फैला देंगे। थोड़ा सा घी डाल देंगे, एक साइड से सिकने देंगे हम इसे। एक साइड से सिक चुका है, ऊपर से सूख गया है, अब हम इसे पलट लेंगे। इस साइड से भी सेकेंगे, पूरा दोनों साइड से सिक गया है, अब हम इसे उतार लेंगे। पूड़े बनकर तैयार हैं। आप चाहें तो लोहे के तवे पर भी ये आसानी से बन सकते हैं। सावन के महीने में तीज के मौके पर आटे के मालपुए या पूड़े जरूर बनाइए। पूड़े को आप अचार के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।